हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल माय विजन इंस्टीट्यूट। आज हम बात कर रहे हैं एक पेपर की जो अभी आज 8 तारीख को हुआ है, बुधवार को। ठीक, ये पेपर एक बार कैंसिल हो चुका था, अब ये दोबारा हुआ है उत्तर प्रदेश टेट का, यूपी टेट जिसे हम बोलते हैं। यूपी टेट का जो पेपर हुआ उसके पहली पाली की कुछ कीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे पेपर की कीज को हम इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। 5 सेक्शन है तो 5 कीज हैं, हर की को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज ईवीएस से। ईवीएस का जो पेपर था पिछले साल की कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल पर था। इसमें साइंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पूछी गई थी, पर माना जा रहा है कि यहाँ पर 22 से 24 नंबर जो सही कर रहा है वो अच्छा स्कोर है। अब चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर सारे आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक करके सारे आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ये सेट नंबर बी का आपका सारा आंसर है, लेकिन जिसका कोई दूसरा सेट है वो इस पर कैसे मैच करेगा, तो उसको मैच करने के लिए क्या कर दिया है हमने यहाँ पर सारे ऑप्शंस लिख दिए हैं। तो आप अपने ऑप्शन से क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। वीडियो देखिएगा, आराम से पॉज करिएगा और सारे आंसर फटाफट मैच करके कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल जो ईवीएस का पोर्शन था वो 121 से 150 के बीच था। टोटल 150 क्वेश्चन में आखिरी का जो पांचवा सेक्शन था वो ईवीएस का था, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया अवेलेबल इन वेयर? तो इसका आंसर है पंचायती राज संस्था, पंचायती राज इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है गवर्नर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने का। सुमेलित करने में यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए, उसके चार एरिया दिए हैं, जैसे भारतीय संघ, ठीक है, इंडियन यूनियन, इसमें होता है प्रधानमंत्री, स्टेट इसमें होता है राज्यपाल या गवर्नर, नगर निगम उसमें होता है मेयर, ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच। अगर आप इसे सही से मैच कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बराबर से सुमेलित हैं तो सेट नंबर बी में आंसर है 2। इसके बाद आते हैं अगले नंबर पे, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 डिफाइन करता है राष्ट्रपति शासन को, और राष्ट्रपति शासन जो है ये सबसे पहले कहाँ और कब लगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन में पंजाब नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक हिसाब से गलत दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को इसीलिए हमने मार्क कर दिया है कि ये गलत है और इसका आंसर इसीलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम कौन सा कर ले सकता है? तो नगर निगम गृह कर ले सकता है, ये याद रखिएगा। हाउस टैक्स वॉज टेकन बाय नगर निगम। अगला क्वेश्चन है कि हैमलेट या पूर्वा किस अधिवास में शामिल होते हैं? तो ग्रामीण अधिवास में, रूरल एरिया में, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर हैमलेट टाइप का सेटलमेंट पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक पर्वत है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद आपका अगला आता है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है ये कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं? मानसून वन ऐसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बी एगलॉक पठार कहाँ पाया जाता है? अब कार्बी एगलॉक पठार सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आपका भारत का प्रायद्वीप का हिस्सा है, तो ये पूरा पठार आता है और इसका एक हिस्सा आपको पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। तो यही हिस्सा जो पूर्वोत्तर भारत में प्रायद्वीप पठार का है, इसी को हम बोलते हैं कार्बी एगलॉक पठार, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास अगला है 131 नंबर, कौन सा अचल जीव है? कौन सा अचल जीव है, ये थोड़ा सा साइंस का टेक्निकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिसली एनिमल? तो इसका आंसर है यूप्लेक्टा, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है ये इसका आंसर है, ये स्पॉन्ज कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है कि इनमें से कौन सा अणु प्रोटीन का है? तो इसमें अमीलो अम्ल आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन? तो इसमें आंसर क्या होगा? अमीलो एसिड। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए पादप कोशिका में सेलुलर वॉल पाई जाती है, ठीक है, रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, लवक भी पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम,
याद रखिएगा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन जो आया था ये इसका आंसर क्या सही है, इस सेट के हिसाब से इसका आंसर 4 सही है। इसके बाद अगला मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजपक्षी कौन सा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजपक्षी है। फिर अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश में रेडियल पाए जाते हैं, रेडियल आपके टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं याद रखिएगा। इसके बाद आता है कौन सा शीतोष घास प्रदेश है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो कौन सा नहीं है, कंपास नहीं है, कंपास के अलावा बाकी सब आपके टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, एशिया, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपकी थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू एक जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में अत्यधिक पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र भारत में कहाँ पर है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, इसे ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं, बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है। अगला बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है ये कई बार कई पेपरों में आ चुका है, सीटेट के पेपर में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और स्टेट के टेट में भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को बहुत घुमा के दिया है इसलिए आप लोगों को बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जलकुंभी या वाटर हैसनिथ। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वायरस में अजैविक होने का लक्षण होता है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह इसमें जेनेटिक मटीरियल ना पाया जाना, जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिक लक्षण या आपका वशानुगत सामग्री ना पाया जाना, ये याद रखिएगा वशानुगत सामग्री ना पाया जाना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं वो कौन से हैं, तो इसका आंसर है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन वो पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करते हैं। फिर मिट्टी के अंदर वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को उसमें स्थिर करता है, तो वो कौन सा है, एजेटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अंदर वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका आंसर क्या है, एजेटोबैक्टर। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से गलत क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्वेश्चन है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन होता किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होता cDNA, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसके आंसर को मैं आपत्तिजनक की कैटेगरी में रख रहा हूँ और इसको मैंने स्टार कर दिया है। लेकिन अगर एक तरीके से हम देखें कि ये पूछा जा रहा हो इस क्वेश्चन में कि कौन सा डीएनए हमारी कोशिका में सर्वाधिक पाया जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा bDNA, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी आपत्तिजनक है, जैसे ये 124 नंबर वाला था जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच चली या ठाणे से बंबई के बीच चली, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश विशेष में भी आता है, पुष्कर मेला बहुत से लोगों को लगता है, लेकिन ये ऊँटों का सबसे बड़ा मेला होता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सोनपुर मेला, ये याद रखिएगा, बहुत से लोगों ने पुष्कर मेला लगाया है तो ये गलत है, इसका आंसर क्या है, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला बिहार में लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद कब बना, राष्ट्रीय एकता परिषद या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1961 कब बना, 1961 में, इसे ध्यान रखिएगा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है उसको रटा है। इसके बाद आर्टिकल 149 सॉरी क्वेश्चन नंबर 149 पूछा है कि समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो भी इस पर पिक्चर बनी थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, लास्ट ईयर काफ़ी सुपरहिट पिक्चर है, इस बेस पर ये क्वेश्चन उठा लिया गया है, समानता का अधिकार मतलब आर्टिकल 14 से 18 के बीच डिस्क्राइब है, इसे याद रखिएगा, ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, किस देश
में लचीला संविधान है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ का संविधान बहुत ज़्यादा रिजिड भी है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, लोचदार भी है और दृढ़ भी है। इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। देखिए, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको आंसर बताए हैं, इन सब को मैच कर लीजिएगा। आराम से रोक रोक के वीडियो को पॉज करके आप आंसर मैच कर लीजिएगा। इसका PDF बहुत जल्दी सारे आंसर का एक साथ हम ग्रुप पे या अपनी इस वीडियो के साथ लिंक कर देंगे, ताकि आपको सारे आंसर मिल जाए। और अपने स्कोर को कमेंट में भेजना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।